हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस वीडियो रिगार्डिंग द CUET एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस एंड दिन दिस ईयर 2022 के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी CUET में पार्टिसिपेट किए हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं। सो इनका एडमिशन का क्या सीन रहने वाला है और क्या इनका फीस स्ट्रक्चर एंड अदर के बारे में कुछ डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। यार जो भी है, CUET एक प्लेटफॉर्म है जो कि अपनी वेबसाइट पे आपको जो है मार्क्स दे देगी कि इसके इतने मार्क्स आए हैं। देन आपने जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के पास आपकी डिटेल ऑलरेडी होगी। देन आपको जो है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और जाके रजिस्टर कर देना है कि आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी एंड आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन CUET फॉर योर यूनिवर्सिटी। सो इस प्रकार से आपको वहाँ पर जाके रजिस्टर करना है। देन जस्ट जो है उसके बाद में जो मेरिट के बेस पे जो है आपको सीट अलॉट की जाएगी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं उनका क्या सीन रहने वाला है, यार बेसिकली अगर मैं बताऊं तो प्राइवेट कॉलेज वाले उतने अच्छे कॉलेज नहीं हैं, ऑलमोस्ट सारे ही, जैसे एक दो कॉलेज को छोड़ दें अपन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे अगर अपन बेनेट यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर अदर कॉलेजों की बात करें, जैसे मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, जैसे ये जो एक कॉलेज है जीवाजी यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश वाली, उसके यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो क्या ही पता चल रहा है, ठीक है। मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन है ऐसे कॉलेजों की। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेज है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे ठीक ठाक कॉलेज भी है जैसे BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, लेकिन फ़ीस बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे 10-10, 12-12 लाख रुपए इनके जो है फीस लग रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर अपन बात करें तो यार उनकी थोड़ी फ़ीस कम है, उनका जो काम है वो 6-7 लाख 5-6 लाख में ही निपट जा रहा है। लेकिन अगर अपन प्राइवेट कॉलेजों की तरफ अगर तुम बढ़ो तो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉलेजेज है, जैसे बेनेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, अदर कॉलेजेज भी है, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, इसकी 10-11 लाख रुपये फ़ीस है, प्लस हॉस्टल लैंड अदर खर्चा अलग है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों की फ़ीस जो नॉर्मल फ़ीस है। एंड जस्ट हमारा मिशन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्रोग्राम भी चल रहा है एंड दिस इज चार्जेबल प्रोसेस, बट स्टिल लास्ट 2 ईयर्स इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं स्टूडेंट्स को, बिकॉज स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि उसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, कहाँ पे है, कितना प्लेसमेंट होता है, जिसके अंदर हम एटलीस्ट जो है ओनली एंड ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं और जस्ट मिनिमम कॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो जस्ट यू कैन चेक आउट नाउ, व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब यार जनरली मैं आपको बताऊं तो प्राइवेट कॉलेजों में यही है CUET का, जैसे ही NTA की वेबसाइट पे या फिर जो भी वेबसाइट है CUET.smart.edu.in वहाँ पे जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका जो है मिल जाएगा आपका जो भी होगा रैंक कार्ड, जैन आपको जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर देना है। जस्ट लाइक जोसा की तरह भी हो सकता है काउंसलिंग, इस बार देखते हैं क्या सारा सीन रहता है काउंसलिंग का, बिकॉज ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश में सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के टेस्ट एक साथ हो रहे हो, और जस्ट अभी ये जस्ट सिचुएशन अभी डिक्लेयर नहीं हुई है फुल्ली, और जस्ट सेम प्रोसेस रहेगा कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वहाँ पे जाके आपको उसके पोर्टल पे आपको रजिस्टर कर देना है। UGR ID पासवर्ड डालते ही वो सारी की सारी डिटेल अपने आप कैप्चर कर लेगा, उनके पास भी इसका पोर्टल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा सीन है और आई थिंक प्राइवेट कॉलेजों के हालात तो बड़े ही ख़राब है, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, और जो कुछ नए जो इस गवर्नमेंट कॉलेज भी जुड़े हैं उनके भी हालत ख़राब है। मैं जो हर यूनिवर्सिटी का जो वीडियो है इंजीनियरिंग वाला पे डाल रहा हूँ, और एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है द कॉलेज रियलिटी शो, तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट इंडिया के सारे कॉलेजेस कंसिडर किए जाएंगे कि कैसे कॉलेज है, क्या इनका सीन है, क्या प्लेसमेंट है, फीस ज़्यादा है कम है, क्या सारा का सारा सीन है, उसमें जो है सब कॉलेजों का दिया जाएगा। तो जस्ट आप उसको भी देख सकते हो, आई होप इससे आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी। तो जस्ट खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।